हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 4 मार्च 2019 और यह हमारी 89वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2019 का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया जाएगा, जिसका सही ऑप्शन है 9वां संस्करण। यह है बैडमिंटन का इंडियन ओपन है और इसका यह 9वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, यह टूर्नामेंट 26 मार्च से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आपको याद रखना है, यूनेक्स सनराइज इंडियन ओपन 2019 का यह 9वां संस्करण 26 मार्च से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में दुनिया का सबसे शांत कमरा किस कंपनी ने बनाया है, तो इसका सही ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया का सबसे शांत कमरा बनाया है। आपको बता दें, यह धरती का सबसे शांत कमरा है। इसे बनाने में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह कमरा इतना शांत है कि आप इसके अंदर सिर्फ 45 मिनट ही बिता सकते हैं। आपको बता दें, इस कमरे में हम अपनी धड़कन की आवाज भी सुन सकते हैं। तो ये ऐसा कमरा माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, या कहें तो धरती का सबसे शांत कमरा माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। अब बात आई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी। फाउंडर है बिल गेट्स एंड पॉल एलन। यह है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। तो इतना आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में याद रखना है कि इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया का सबसे शांत कमरा बनाया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में भारत को किस संगठन में मुख्य अतिथि बनाया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है ओआईसी संगठन में। हाल ही में भारत को ओआईसी संगठन में मुख्य अतिथि बनाया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया है। अब बात आई है ओआईसी संगठन की, तो आपको इसके बारे में भी बता दें, ओआईसी की स्थापना 1969 यानी 1969 में की गई थी। मुख्यालय जेद्दाह सऊदी अरब में है। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, ओआईसी में सदस्य देश 57 है, यानी 57 देश ओआईसी संगठन के सदस्य हैं। तो इतना आपको याद रखना है, ओआईसी में भारत अध्यक्ष या अतिथि के तौर पर हाल ही में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किस राज्य में एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है, तो इसका सही ऑप्शन है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य में एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। मनेठी में बनने वाले एआई एम्स को देश का 22वां संस्थान यह बनाया जाएगा और इसमें एम्स और बीएससी की सीटें भी जोड़ी जाएंगी। तो आपको याद रखना है, एम्स का हाल ही में जो मंजूरी मिली है वह हरियाणा राज्य के लिए मिली है। आपको हरियाणा राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो इतना आपको हरियाणा के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसका सही ऑप्शन है पीएम जीवन योजना, यानी प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी गई है। इस योजना के तहत फसल अवशेषों के निवारण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाएगी और यह प्रधानमंत्री जीवन योजना है। इसका फुल फॉर्म जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण जीवन योजना का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 2018 और 19 में कितनी रहेगी, तो इसका सही ऑप्शन है 7.2। हाल ही में आई केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 2018
2018 और 19 में 7.2 रहेगी और 2017-18 के बीच यह विकास दर जो है वह 6.7 रही है। तो आपको याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें भारत में विकास दर 7.2% बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 6-7, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 छक्के पूरे किए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है क्रिस गेल। हाल ही में क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 छक्के पूरे किए हैं। क्रिस 500 छक्के या सिक्स लगाने वाले दुनिया की एकमात्र खिलाड़ी हैं। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के एक महान खिलाड़ी हैं। तो ये इन्होंने हाल ही में 500 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाले ये दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कोर सेक्टर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है 1.8% यानी 1.8% की कमी कोर सेक्टर में की गई है, दर्ज की गई। अब ये कोर सेक्टर क्या है तो आपको इसके बारे में बता दें, यह वह उद्योग है जिसका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा होता है या बहुत बड़ा पार्ट होता है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली, ये 8 जो है वह कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं और इनका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा होता है और इसमें हाल ही में 1.8% की कमी दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नागालैंड के पहले लोकायुक्त कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है उमानाथ सह नागालैंड के पहले लोकायुक्त हैं। ये मेघालय उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। ये 5 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। आपको बता दें लोकायुक्त पद क्या होता है? लोकायुक्त पद वह होता है जो भ्रष्टाचारी रोधी लोकपाल स्थापित करना होता है और इसे ही लोकायुक्त कहा जाता है। और नागालैंड के पहले लोकायुक्त हैं उमानाथ सह। अब बात आई है नागालैंड की, तो आपको नागालैंड के बारे में बता दें, नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में की गई थी। गवर्नर है पदम मनाव आचार्य और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं न्यू फे डियो। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो इतना आपको नागालैंड के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है जलवाष्प। जलवाष्प दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह लगभग 68-80% ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली विश्व में जो ग्रीन हाउस गैस है वह है जल वाष्प। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? तो यह है 3 मार्च को मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन है 3 मार्च। और इसी दिन आपको बता दें राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता है। तो नेशनल डिफेंस डे या राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय रक्षा दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, उदय भूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो इसका सही ऑप्शन है K.R. नारायण। K.R. नारायण भारत के 10वें राष्ट्रपति थे और इनकी डेथ 9 नवंबर 2005 में की गई थी और इन्हीं की समाधि स्थल को उदय भूमि के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें एकता स्थल या एकता स्थल यानी जैल सिंह की समाधि स्थल को जाना जाता है, समता स्थल शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल को जाना जाता है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। एक बार फिर आपको बता दें उदय भूमि K.R. नारायण की समाधि स्थल है, ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है एकता स्थल, पंडित शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है समता स्थल और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। तो इतना आपको इन सभी के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों एक और बात आपको बता दें, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण वीडियो मैं डिटेल में नहीं बना पाया हूँ। 1-2 दिन के अंदर मैं बहुत डिटेल से और बहुत प्यारी लैंग्वेज में ये वीडियो बनाऊंगा। तो आप
इसे आप पढ़ के जितना भी हो सके आप प्रिपेयर कर लें।